नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कन्या राशि का राशिफल बता रहा हूँ। बड़ा उलटफेर होने वाला है कन्या राशि का, और इस समय फिलहाल में ग्रहण का परिवर्तन चल रहा है, यानी गुरु नीच राशि के चल रहे हैं, शनि साथ में हैं, सूर्य उच्च राशि के हैं और बुध भी फिलहाल में नीच राशि के चल रहे हैं 24 अप्रैल। तो ये क्या परिवर्तन लाएंगे कन्या राशि के भाग्य में, तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बुध नीचस्थ रहने से और गुरु भी नीचस्थ रहने से कन्या राशि वालों के पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे, यानी ऐसा मूड आएगा जिससे आपके गृहस्थ जीवन में परेशानी आ सकती है, पारिवारिक उलझन बढ़ सकती है, कलेश आदि बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी से आपको रहना है। इसमें यह कि धर्म कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी। आप प्रतिदिन माता के मंत्र का जाप जरूर करें। मैं आपको अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का बता रहा हूं संपूर्ण राशिफल। मई में मासारम में बुध अष्टमत होने से स्वास्थ्य में विकार, बनते कार्यों में विघ्न, धन हानि के संकेत हैं। अत्यधिक कठिनाइयों से निर्वाह योग्य धन के साधन प्राप्त होंगे। 9 मई से बुध भाग्यस्थान होकर परिस्थिति में परिवर्तन करेगा, यानी 9 मई के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा कन्या राशि के भाग्य में। जून में कैसा रहेगा? राशि स्वामी बुध दशम भाव में राहु युक्त होने से दैनिक कार्यों में प्रगति धीरे धीरे होगी। भूमि बान आदि के क्रय विक्रय की योजना बनेगी। 18 जून से बुध बकरी रहने से अनेक उतार चढ़ाव एवं परिस्थितियों का सामना भी रहेगा, और व्रत यानी व्यर्थ की खर्च, धन खर्च और यात्रा भी रहेगी। यानी जून का जो मई और जून का जो महीना है, ये थोड़ा सा मुसीबतों का जाएगा। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन यह है कि जो भी कार्य करें आप सोच समझ के करें। आपके पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनमें खटास आ सकती है। विवाह के जो कार्य है, जो आप विवाह आदि के लिए सोच रहे हैं, उसमें रुकावट आएगी। आप नए नए विचार पैदा करोगे, दिमाग में नए नए विचार आएंगे, लेकिन उन सब में किसी में थोड़ी कामयाबी मिलेगी, ज़्यादातर में आपको रुकावट ही असफलता ही मिलेगी। दोस्तों, बुध राहु के साथ में होने से, यानी बुध व्यापारिक क्षेत्र में होने से व्यापार में परेशानी उजागर नजर आ रही है। यानी लगा लो वर्षारंभ से लेकर के जून तक, यानी आधा साल कन्या राशि वालों का मुसीबत से भरा हुआ है। जून के बाद में परिवर्तन शुरू हो जाएगा कन्या राशि का। जून के बाद में क्या होगा वो जानते हैं। दशम सूर्य बुध राहु योग तथा मंगल की दृष्टि रहने से मानसिक तनाव उलझने, खर्च अधिक, लेकिन भाग्योन्नति भी होगी। भाग्योन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आय होना शुरू होगी, व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी, संतान के योग बनेंगे, विवाह शादी के योग बनेंगे और गृहस्थ जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। यानी जून के बाद में जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा और उसी प्रकार से आपकी स्थिति एकदम बदल जाएगी, स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य बुध जो बुध आदित्य योग होता है, बहुत ही अच्छा योग होता है, ये कन्या राशि के दशम भाव में आ जाएगा। और दशम भाव में जैसे ही बुध आदित्य योग आएगा तो व्यापार धीरे धीरे प्रारंभ होना, मन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए कि जून तक तो स्थिति खराब रहेगी, मध्यम रहेगी, जून के बाद में स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कन्या राशि वालों को भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी है। भगवान गणेश जी की पूजा करते रहें, गणेश चालीसा का पाठ करते रहें, जिससे आपके ऊपर कोई ऐसी परेशानी, स्वास्थ्य सही रहे, आपका पैसा भी बेकार की चीज़ों में खर्च ना हो। तो इन सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी जून तक जो राशि फलता वो मैंने आपको बता दिया।
जुलाई का महीना कैसा रहेगा वो मैंने आपको बताया, जुलाई से एकदम भाग्य परिवर्तन होगा और अच्छा ही भाग्य रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय माता दी।